नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका फ्रेंड बॉडी मिशन बूस्टर फिट रेशियो हूँ आपके सामने, आपका साथी बनने। मेरा नाम है विक्रांत। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था, आपको ये बताया था कि मोटिवेशन का जिंदगी में क्या आधार है। जिस प्रकार हमने बात की थी कि मसल पावर या वेपन्स ही सब कुछ नहीं होते, आपकी मोटिवेशन क्या कहती है, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, यही एक सक्सेस का रियल मंत्र होता है। आज दोस्तों फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि सक्सेस हर किसी के माइंड में अलग अलग है। कोई इंसान छोटी छोटी खुशियों में खुश होता है और कोई इंसान छोटे छोटे खुशियों में दुखी भी होता है। कईयों के लंबे गोल होते हैं, कईयों के छोटे गोल होते हैं। हमारा टारगेट, हमारा एम या यू है, हमारा गोल हमेशा हमारे इंटरेस्ट पे बेस होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस बात को साबित कर सकता हूं, किसी के मायने में, किसी व्यक्ति के मायने में सक्सेस का मतलब अच्छी नौकरी है, किसी इंसान के मायने में सक्सेस का मतलब अच्छा पैसा, किसी के मायने में सक्सेस का मतलब अच्छा व्यापार, और किसी के लिए अच्छी पत्नी या अच्छे बच्चे ही कामयाबी है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, जब आप इर्द गिर्द नजर घुमाओगे तो आप जरूर पाओगे माय फ्रेंड्स कि हर पैसे वाला इंसान जरूरी नहीं है खुश हो, हर बच्चों वाला, बीवी वाला या फिर अच्छे परिवार वाला जरूरी नहीं है कि वो खुशी रहे। हर अपनी जिंदगी में दर्द दर्द पाने वाला जरूरी नहीं है खुश रहे। किसी न किसी तरह से इंसान को परेशानियां हमेशा जकड़े रहती हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपने करना क्या है। आप सबसे पहले छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां अवश्य ढूंढें। अगर आप छोटी छोटी खुशियों में अवश्य नहीं ढूंढेंगे खुशियां, तो आपका मोरल जो होगा वो डाउन हो जाएगा। फ्रेंड्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक बहुत ही छोटे और गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद वो हमारे देश के मिसाइल मैन कहलाए। उनका हमेशा कहना था कि जब आप मुसीबतों से निकल के कामयाबी पाते हो और अधिक से अधिक तबके कुछ जिंदगी में पाते हो, वही रियल सक्सेस है। हम बिना सोचे, बिना अपनी क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज को देखे सक्सेस या टारगेट्स या एम अपनी लाइफ सेट करते हैं, और जब वो एम पूरे नहीं होते या यू कहो कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। और जिन चीजों को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स, उनसे भी हम दूर हो जाते हैं और हाथ धो बैठते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत है अपने इनर कॉन्शियस को पहचानने की। सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम अपनी क्वालिटीज को, क्योंकि उस विधाता ने, उस भगवान ने, उस गॉड ने, उस बाइबल अल्लाह ने हर किसी को कुछ ना कुछ स्पेशल दिया जरूर है। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट कि एवरीबॉडी हैज गॉट सम गोल्डन थिंग्स, ओनली यू हैव टू रिकॉग्नाइज दोस थिंग्स, बिलीव मी। मैं आपको ऐसा ही एक और सक्सेस स्टोरी सुना रहा हूं, श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करके, हालांकि वो एक राजा थे, वो अयोध्या के राजा थे, लेकिन फिर भी 14 वर्ष का वनवास उनको करना पड़ा। लेकिन फाइनली 14 वर्ष का वनवास उनके लिए पल भर में खुशी में तब्दील हो गया जब उन्होंने लंका नरेश रावण को हरा दिया और खुशी खुशी अयोध्या वापस लौटे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी छोटी खुशी में खुश होना सीख जाएंगे, आप जिंदगी में कभी भी डिमोरलाइज नहीं होंगे, कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं होंगे, और हमेशा सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और क्यों? क्योंकि सक्सेस एक खुश मन की ही देन है, खुश दिल की और खुश दिमाग की ही देन है। अगली बार आपका फ्रेंड विक्रांत फिर पेश होगा एक नया टॉपिक लेके, जो आपकी जिंदगी में नई चुस्ती और सफूर्ती भर देगा। तब तक के लिए आपसे जय चाहता हूं। जय हिंद।